एक बिहारी 100 पे भारी, क्या है आप एक बिहारी और आपको है बिहार के बारे में कुछ जानकारी? तो जय हिंद, नमस्कार, दिस इज बीके मिश्रा और हम आपके सामने लेके आए हैं बिहार के बारे में कुछ ऐसी रोचक जानकारी जो शायद किसी को मालूम किसी को नहीं मालूम। वैसे तो ज्ञान के भंडार आप स्वयं हैं, आप में ज्ञान की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे द्वारा और हम एक छोटा सा प्रयास लेके ये आए हैं कि अगर आप एक बिहारी हैं, अगर बिहारी नहीं भी हैं, आप एक भारतीय हैं, इंडियन है, एज ए इंडियन, तो आपको बिहार के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी रखना होगा, क्योंकि बिहार भारत का ना सिर्फ एक राज्य है बल्कि ये प्राचीन काल से आज वर्तमान समय तक ज्ञान का हो, संस्कृति का हो, सभ्यता का हो, हर चीज का एक चरम और एक बिगिनिंग पॉइंट माना जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम ने भी कहा है कि भारत की अगर संपूर्ण विकास चाहिए आपको तो पहले बिहार का विकास जरूरी है, और उसी बिहार के सेंस में हम आपको कुछ जानकारी लेके आए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे बंगाल विभाजन का, नाम सब कोई सुना होगा, अगर नहीं सुने हैं तो जान लीजिए, क्योंकि बिहार का नाम यहां से आपको जानना जरूरी है। बंगाल विभाजन से बिहार की कहानी शुरू हुआ है, बंगाल विभाजन, ठीक है। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था, और 1905 से पहले बिहार को जो है बिहार के नाम से नहीं बल्कि आपका बिहार जो है वो जाना जाता था मगध के नाम से, मगध और पाटलिपुत्रा के नाम से जाना जाता था, पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था किसको? बिहार को। लेकिन बौद्ध भिक्षुओं के अधिकता के कारण इस जगह को बाद में कुछ दिनों तक लोग बिहार भी बोले, बिहार, बौद्ध भिक्षुओं के कारण इसका नाम बिहार पड़ा है। लेकिन बिहार ये एक शेर शाह सूरी के नाम याद जरूर रखिएगा, और बिहार का नाम अस्तित्व में तब से आ गया जब से इसका क्या हुआ, 12 मार्च, याद रहेगा ना, 12 मार्च 1912 से बिहार का नाम राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, एक समय और आपको कालक्रम ध्यान में रखना है, 1936 में भी बिहार का बंटवारा हुआ था और उस समय उड़ीसा अलग हो गया। फिर एक छोटा सा जानकारी हम आपको देंगे, याद ये भी समय रखिएगा, वो समय था 15 नवंबर, समझ गए, 2000 को, 15 नवंबर 2000 को दक्षिणी बिहार झारखंड के रूप में भी अलग हो गया। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जो वर्तमान समय में अगर बात करें उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण अगर बात करें बिहार की, तो इसकी कुल लंबाई जो है, चौड़ाई मतलब लंबाई ही कही जाएगी, 345 किलोमीटर है। लेकिन वही अगर इसकी बात करें पूरब से पश्चिम की, तो पूरब से पश्चिम की इसकी कुल लंबाई हो जाती है 383 किलोमीटर। इतना आपका उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम वर्तमान में है, जिसमें 38 जिला है। लेकिन सवाल यहाँ पे रोचक बातें आपके सामने ये है, कुछ खास बातें जो आपको कहीं ना कहीं याद रखना जरूरी है, ठीक है। और जरूरी बात ये है कि अब रामायण काल से ही ले लीजिए, तो रामायण काल में बिहार को बिहार के नाम से जाना जाता था, ये भी चीजें तथस्थ है जो आपको याद रखना होगा, ये तथस्थ बातें हैं। और कभी ना कभी आपसे कभी ना कभी कोई ना कोई किसी हाल में कहीं पूछ दे अगर कि आप बिहार हैं तो बिहार के बारे में क्या जानकारी, बिहार का नाम बिहार कब पड़ा, किसने रखा, कैसे हुआ इसका नाम, तो अंग्रेजों ने नाम इसका बिहार दिया है, उससे पहले मगध और पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। लेकिन बौद्ध भिक्षुओं के कारण इसको बिहार भी कहा गया है। वर्तमान समय में आज आपका बिहार है, अब संस्कृति शिक्षा का केंद्र क्या है, ये बात जानना बहुत जरूरी है। तो संस्कृति और शिक्षा का केंद्र आज नालंदा पर्यटक स्थल बना हुआ है, नालंदा विश्वविद्यालय भी देख लीजिए, किसने कराया था, कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय के नींव रखी थी, जिसपे काफी राजाओं ने भी उसका योगदान दिया, आज उसका कायाकल्प कर दिए मोदी जी ने उसका, और नीतीश कुमार ने दोनों मिलकर के नालंदा का नाम नालंदा ना रख करके, देख लीजिए आज यही नालंदा है जो पटना के सटे हुए, पटना जिला से बिल्कुल आपका कमे दूरी पर आपका क्या कर देता है, बाउंड्री बना देता है, देखिए कितना जगहों से घेर रखा है पटना को लगभग कहा जाता है कि 13% घेर रखा है पटना, और पटना नालंदा एक ही था। लेकिन सबसे पहले अगर इसका मगध अगर नाम था ना, तो 16 महाजनपदों में मगध सबसे बड़ा महाजनपद था, और मगध महाजनपद पर सबसे पहले हर्यक वंश के बिंबिसार ने शासन किया था, और उस समय इसका गिरिब्रज यही राजगीर ही था, गिरिब्रज के नाम से राजगीर ही जाना जाता था, जो राजधानी बनाया था। लेकिन उसी वंश के और आगे बढ़ता गया और एक और आया उदयन आकर के इसका
पाटलिपुत्र लेके चला गया, जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। पाटलिपुत्र इसका राजधानी क्या कर दिया, स्थानांतरित कर दिया। लेकिन शेरशाह सूरी भी कम नहीं था, शेरशाह सूरी ने भी अपना मकबरा तो वहीं पे बनाया, लेकिन पटना का नाम इन्होंने अमर कर दिया और जीटी रोड भी चला दिया पटना से बंगाल तक के लिए। और हुमायूं को भी मार के खेत के भगाने वाले, मुगलिया का जड़ से उठा करके फेंकने वाला अगर कोई था तो शेरशाह सूरी था। और शेरशाह सूरी ने भी बिहार का कायाकल्प किया था, इसका भी नाम भूला नहीं जा सकता, इज्जत से लेना पड़ेगा। अगर आप बिहारी हैं तो आपको कुछ ना कुछ जानकारी रखना होगा। और उसी तथस्थ में हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कि बिहार की वर्तमान में राजधानी पटना है, और पटना वर्तमान में नहीं है बल्कि ये 1912 से ही है, 1912 से ही है पटना की, बिहार की राजधानी पटना, जो आज भी बरकरार है। और पटना बीच में चूंकि पड़ता है, कहीं भी किसी भी डिस्ट्रिक्ट से जाइए, लेकिन पटना से सबसे अधिकतम दूरी की अगर बात करें तो किशनगंज की आती है, और सबसे कम दूरी की बात करें तो नालंदा आती है। फिर आपसे कोई कोई पूछ देता है कि बिहार में सबसे गर्म और सबसे ठंडा जगह कौन सी है, तो बिल्कुल इज्जत से नाम लीजिएगा गया का। गया बिहार की सबसे गर्म और ठंडा जिला है, जहाँ पे टेम्परेचर आपका 50 तक भी पहुँच चुका है, 50 डिग्री सेल्सियस। लेकिन सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जब भी आपसे पूछे ना, तो इज्जत से किशनगंज को मारिएगा। और किशनगंज ही चाय की खेती भी होता है, यह बात भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अगर बात करें रोहतास, तो रोहतास आपका सबसे ज़्यादा चावल की खेती करता है। अगर ऊख की, गन्ना की खेती की बात करें तो आपका पश्चिमी चंपारण, वेस्ट पश्चिम चंपारण का नाम इज्जत से लिया जाता है। हालांकि चावल की खेती भी, अगर यहाँ रोहतास को हटा दे, रोहतास के बाद पश्चिम चंपारण का ही नाम आता है धान की खेती के लिए, समझ में आया बात। तो ये प्राचीन कुछ कुछ निचोड़ बातें हैं जो आपको कहीं ना कहीं याद रखना जरूरी है। अगर हैं आप बिहारी तो क्या आपको है बिहार के बारे में कुछ जानकारी, तो जब इतना बात आपके दिमाग में रहेगा तो कुछ ना कुछ तो बातें जरूर याद रखिएगा। प्राचीन रामायण काल से आपको बता ही दिए, मध्य काल से बता ही दिए, प्राचीन काल से बता ही दिए। प्राचीन काल में यही बौद्ध धर्म जैन धर्म का शिक्षा केंद्र था, और शिक्षा केंद्र आज भी स्थगित है। कहाँ पे? नालंदा में। नालंदा में जाके देखिएगा ना, तो बौद्ध मठ भी आपको मिलेंगे और जैन मठ भी मिलेंगे, जो लगभग ये कहा जाता है 483 BC में यहाँ पे ये केंद्र बन चुका था। और इसी के आसपास जैन धर्म के महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों ने अपना केंद्र बिंदु यहाँ पे बना लिया था। और अलग अलग धर्म लोगों ने चलाया, अलग अलग तरीके से, सब कोई जिसको जो अच्छा लगा वो चीज़ें दिए। अगर लिंगानुपात की बात करें तो सबसे ज़्यादा हमारा ही जिला आता है गोपालगंज, गोपालगंज के हम रहने वाले हैं, तो गोपालगंज में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है, मतलब लड़कियों की संख्या यहाँ ज़्यादा है, लड़कों की संख्या कम है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक फंडा है जो कहीं ना कहीं बिहार के होने के नाते आपको जानकारी रखना है, और हमें भी जानकारी रखना है। अगर हम, हमारी आवाज़, हमारी वीडियो, हमारे दिया हुआ जानकारी आपको अच्छा और मज़ेदार लगा, तो वीडियो को थोड़ा आपसे मित्र दोस्त सगे संबंधियों के पास जरूर भेजिएगा कि बिहार के बारे में इतना जानकारी जरूर याद रखिएगा कि बिहार के उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, लंबाई चौड़ाई क्या है, कितने ज़िले हैं, तो 38 ज़िले हैं। और ये झारखंड से कब अलग हुआ, बंगाल से कब अलग हुआ, बंगाल विभाजन की आग कब लगी थी, आग लगी थी 1905 में, बुझी का बिहार अलग हो के ही, और बिहार के साथ उस समय झारखंड भी शामिल था और उड़ीसा भी शामिल था, जो वर्तमान में ना तो बिहार के पास झारखंड है और ना ही उड़ीसा है, क्योंकि ये सभी औद्योगिक क्षेत्र है। औद्योगिक क्षेत्र भाई बिहार में क्या होगा, बिहार में तो सिर्फ जातिवाद की राजनीति और बोलबाला चलता है। बिहार के वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हमारे श्री श्री नीतीश कुमार जी हैं, और वही बिहार का कर्णकर्ता ही कहा जाएगा। बिहार में आप देख लीजिए, अगर हम आपके साथ ऐसे बोल रहे हैं, अगर गांव देहात में भी, गांव लेवल पे भी इतने बड़े बड़े पैमाने पे अगर बिजली हो, रोड हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में अगर कोई शिक्षा हो, हर क्षेत्र में अगर कोई काम किया, तो नीतीश कुमार जी दिल से आपको मुख्यमंत्री हम मानते हैं इस नज़रिया से। लेकिन बिहार में अगर जातिवाद की राजनीति की अगर बात करिएगा, तो हम नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन सबको जानते हर बोलबक आया है बिहार में ऐसा ही, जब तक रहेगा समोसे में आलू तब तक कौन रहेगा, ये बात बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन खैर, हम लोग को जातिवाद में और भाईचारा अपने बंधुत्व नहीं बिगाड़ना चाहिए। हम बिहारी हैं यार, दिल से स्वीट होते हैं, मीठे बोली के होते हैं, और किसी किसी को बुरे लग जाते हैं। ऐसी कोई गली नहीं जहां बिहारी आपको मिले नहीं, हर जगह बिहारी है। और बिहार का यह दुर्भाग्य है कि बिहार में कोई औद्योगिक क्षेत्र नहीं है, सिर्फ बिहार में है बोलबाला, तो किसकी है,
हमारा जाति है ही हमारा जाति, हम अगुआ अहिरान है, हम बगुआन है, हम पंडितान है, हम कोईरान है, तो हम फलनवा तो ढिंकच तो ढिंकच तो ढिंकच, अब बस ढिंकचिका यही करते हुए लोग पेट्रोल जाता है, जब पेट्रोल पंप पे तो पेट्रोल भरवाने जाता है तो पेट्रोल पंप वाला ये थोड़े पूछता है कि आप अहिरान है, बगुआन है, पंडितान है, कौन है, सीधे सीधी बात है, 108 रुपया दीजिएगा तो 1 लीटर पेट्रोल देंगे, नहीं तो 1 लाख देंगे पिछवाड़ा पर, मस्त होकर भाग जाइएगा यहाँ से, समझे कि नहीं समझे। तो ये बातें आपको ध्यान में रखना है कि बाबू खर्ची हमारे अपने कर्मों से चलता है, किसी के तलवे चाटने से नहीं चलता है, इसीलिए समझदार बनिए और वोट का चोट करना सीखिए, जाति पे नहीं योग्यता पे कीजिए, जो उसके लायक है उसको चुनिए, नालायक को ना चुनिए। जय हिंद, जय बिहार, जय इंसान, जय बिहार।